हेलो ब्रियन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर की एकेडमी, और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं MBBS एडमिशन नेपाल के बारे में। नेपाल में जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको अपडेट देता रहता हूं, नेपाल में क्या चल रहा है, कहां पे सीट्स अवेलेबल है, कहां पे पैकेज इंक्रीज हुए। आज की जो अपडेट है वो है MEC के फॉर्म की। MEC ने जैसे कि आपका पहले से अनाउंस किया था कि आपको सितंबर के फर्स्ट वीक से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। डेट अनाउंस नहीं की थी, वो डेट अनाउंस हो गई, आपका 3rd सितंबर है, जिससे यानी कि कल से आपका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट है 1st अक्टूबर। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, नेपाल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, फॉर्म लेके कहीं से भी कर रखा है, सभी को MEC का फॉर्म भरना कंपलसरी है। 5,000 रुपये का फॉर्म है इंडियन रुपीज़ में, 8,000 रुपये नेपाली रुपीज़ में है। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कुछ आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी कट जाए। तो अगर किसी को फॉर्म में जो हमारे थ्रू एडमिशन हैं उनके तो फॉर्म हमारी एकेडमी यानी हमारी कंपनी भरेगी, पर अगर कोई और स्टूडेंट्स है जिसने एडमिशन्स कहीं से ले रखा है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट्स का आ रहा है कि क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर में है। नवंबर के लास्ट तक आपकी काउंसलिंग होने की उम्मीद है या रिजल्ट काउंसलिंग। और ये जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपका दिसंबर के लास्ट वीक से क्लास का शेड्यूल है, बहुत लेट होगा तब भी जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका MEC का अपडेट है। अब मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर जिन्होंने अभी भी नेपाल में एडमिशन नहीं लिया है, लेना चाहते हैं, या जिन्होंने लेटर मंगा के रख लिया है, अभी कॉलेज अकाउंट ने 5 लाख का TT नहीं किया है, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अब 1 महीने का टाइम है, वो भी फॉर्म भरने का टाइम है। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तब आपका नेपाल में कहीं भी एडमिशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने TT ना किया हो तो TT कर दें, और जल्दी से फॉर्म कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या नीड होगी आपकी, 10-12 का मार्कशीट का स्कैन कॉपी, आपका नीट स्कोर हो गया, आधार कार्ड कॉपी या पासपोर्ट कॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल, ये होगा, प्लस आपका जो है एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स की नीड है। अगर आपने अभी आधार कार्ड नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप अभी सही कर लें। 1 महीने का टाइम है फॉर्म भरने में, पर कल से स्टार्ट हो जा रहा है, लास्ट टाइम पर आप मत रुकिएगा फॉर्म भरने के लिए। और रीज़न क्या है, कभी कभी सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है, और नेपाल में जैसे कि आप जानते हैं डेट इंक्रीज नहीं होती है।